नमस्कार। तो आज हम आए हैं कोल्हापुर के फेमस मिसल सेंटर जयश्री स्टॉल पर, और चलिए देखते हैं कि इनके यहाँ कोल्हापुर की स्पाइसी झनझनी तर्री वाली मिसल बनती कैसी है। तो उससे पहले इसका टेस्ट लेके देखते हैं कि ये खाने में कैसी है और क्या इसका स्वाद है। तो यहाँ पर लिया एक बाइट। वाह, क्या स्वाद है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। इतनी बढ़िया मिसल तो आज तक मैंने कभी नहीं खाई थी, तो ये टेस्ट करने ज़रूर एक बार आइए। तो चलिए देखते हैं इनके स्टॉल पर क्या क्या मिलता है। मिसल कटवड़ा, वड़ा पाव, मिर्ची भजी, कांदा भजी। कोल्हापूरला तुम्हाला यायचं असेल तर संभाजीनगर स्टँडपासून आयटीया, कोल्हापूर आयटीया बस स्टॉपच्या समोरच आपली गाडी आहे, जय स्टी स्टॉल म्हणून, सागर राणी। तो आप कभी भी कोल्हापुर आए तो इनके स्टॉल को ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है एक बड़ा पतीला। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रेसिपी है वो 20 लोगों के हिसाब से ये रेसिपी आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डाला गया है तिल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं। साथ में डाला गया है एक कटोरी प्याज, जिसे कि सुनहरा होने तक इन्होंने भुना है, आप देख सकते हैं। अब कांदा भुन चुका है, इसमें जाएगा कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला, क्योंकि कोल्हापुरी स्टाइल में बना रहे हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो स्किप कर दीजिए। 50 ग्राम कांदा लहसुन मसाला इसमें जाएगा, ये आपको अमेजोन या फिर किसी भी साइट में मिल जाएगा ऑनलाइन। अब यहाँ पर जाएगा रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर भी 50 ग्राम डालना है। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, पर इससे टेस्ट और कलर बहुत बढ़िया आता है मिसल में। लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से सारे मसाले इस प्याज में भुनने हैं। अब यहाँ पर डाला जाता है कोल्हापुरी सीक्रेट मसाला, जिसे कि ओला वाटन भी कहा जाता है। ये जो मसाला है आप किसी भी वेज नॉन वेज रेसिपी में, किसी भी भाजी में यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें 15 से 20 आइटम डाले जाते हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर लिया गया है एक कटोरी फ्रेश नारियल, एक कटोरी सूखा नारियल, 4 प्याज भुने हुए, 100 ग्राम तिल, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शाह जीरा, 20 ग्राम खसखस, 7 से 8 काली मिरी, 3 से 4 ग्रीन वाली इलायची, 2 काली इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े जो कि 2-2 इंच है, लौंग 10 से 12, उसके बाद में अदरक लिया है 2 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं, और साथ में 100 ग्राम धनिया लिया है। अब इसकी अच्छी पेस्ट बना के लेनी है एकदम फाइन, और इस पेस्ट को जो है इसमें डालेंगे। ये जो पेस्ट बनी है वो 1/2 किलो की पेस्ट बनी है इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर। तो देखिए अच्छी तरीके से इस मसाले को भुनना है। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी मिसल बेहतरीन बनेगी। कम से कम 20 से 15 मिनट लगे हैं इस मिसल को भुनने में, इस मसाले को भुनने को। तो 15 मिनट के बाद में देखिए तेल छूट चुका है। तेल जैसे ही छूटता है दूसरी साइड पानी गरम करने रख देंगे। अब यहाँ पर लिया है गरम मसाला, आप किसी भी कंपनी का गरम मसाला ले सकते हैं। ये भी 50 ग्राम इसमें डाला गया है, और मसाला डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से वापस से भुनेंगे। अब यहाँ पर ली है 1/2 किलो मटकी, रात भर भिगाने छोड़ दी थी 8 से 10 घंटे के लिए। अब इस मटकी को इसमें डालेंगे और वापस से इसे इस मसाले में भुनेंगे। इस मटकी को अच्छी तरीके से भुनना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना टेस्ट निखर कर उभर कर आएगा। अब ये मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, इन्होंने साइड में ही पानी गर्म करने रख दिया था। जैसे ही उबलता है इसमें ये पानी डाल देंगे। आपको जितना कट तर्री चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डालिए, आपको जितना पतला जितना गाढ़ा पसंद है उसके हिसाब से आप पानी ये डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी ही डालना है इसमें, ये ध्यान रखिए। अब इस मिसल के कट को 10 से 15 मिनट उबालने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद में देखिए क्या इसकी तर्री आई है, बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट में इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अच्छी तरीके से वापस से घुमा लेंगे। देखते ही देखते इसमें क्या तर्री आई है, क्या कलर आया है। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।